हमीरपुर में बारातियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में दो बच्चों की मौत, 16 बाराती हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल और उरई मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। बस कुरारा से बारात लेकर मध्य प्रदेश जा रही थी। भिवार थाना क्षेत्र में उमरी रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी। हमीरपुर जिले के भिवार थाना क्षेत्र में आज बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है। इस हादसे में दो मासूमों की मौत हुई है, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ था, जिसने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया है। अरे बस वहां से एकदम की तेज थी और बहकाता हुआ हमारा 3 गुलाटी नीचे खा गई। तेजी में खड़बाजी में पलटा दिया इसने। ये हादसा भिवार थाना क्षेत्र के उमरी रोड पर हुआ है। यहाँ कुरारा थाना कस्बे से बारात को लेकर एक प्राइवेट बस मध्य प्रदेश के नौरंगा गांव के लिए निकली थी, जो हादसे का शिकार हुई है। माना ये जा रहा है कि सुबह से हो रही बारिश की वजह से सड़क के किनारे की मिट्टी में फिसलन हो गई है, जिसकी वजह से ये बस स्लिप होकर पलट गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए थे। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। देखिए इसमें 16 लोग घायल हैं, तो 2 लोग उरई भेजे गए हैं और 14 लोग जो हमीरपुर गए हुए हैं। ये कैसे घटना घटी है? कुरारा से ये राठ में एक नौगांव है, वहाँ पे बारात के लिए बस जा रही थी तो वो पलट गई थी बीच में चिल्ली के पास में। बस में लगभग कितने लोग सवार? बस में लगभग 25 के आसपास लोग सवार थे बताए गए हैं। किसी के नहीं, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बच्चे वो रही गए हैं, मरने की सूचना नहीं है।